हमारे नाम महिमा की कोई सीमा नहीं है, चाहे हम सीरियसली या नॉन सीरियसली हरि नाम लें। हरि नाम हमें तब भी टालने की शक्ति रखता है जैसे आजमीरा ने अंत समय में अपने पुत्र नारायण को पुकारा था। उसने बहुत ही सच्चे दिल से नारायण पुकारा था, लेकिन वो अपने पुत्र को पुकार रहा था, तब भी उसके मुख से नारायण नाम लेते वक्त कोई ऑफेंस नहीं हुआ था और उसे लेने विष्णु दूत आ गए, जबकि वो यमलोक जाना रिजर्व करता था क्योंकि उसने इतने पाप किए थे। तब भी यमदूत ने आ गए क्योंकि उसने एक बार अंत समय में नारायण नाम पुकारा था। चाहे हम अनजाने में नाम लें, भगवान फिर भी हमें तार देते हैं, उनका नाम इतना पावरफुल है। भगवान को जैसे हम किसी जगह के नाम से भी पुकार लें, जैसे अगर किसी जगह का नाम कृष्णा नगर है तो हमने बोल दिया कृष्णा, तो वो भी हमारे स्वीकृति देता है। जैसे बस वाले को हमने बोल दिया कि हमें कृष्णा नगर की टिकट चाहिए, तो हमने कृष्णा का नाम ले लिया, तब भी हमने कृष्ण का नाम लिया है। चाहे किसी एक्टर का नाम हो, जैसे गोविंदा बोल दिया तो वो भी नाम लिया हमने कृष्ण का, गोविंद। जैसे हम इंग्लिश में बोल देते हैं ना हरी अप, तभी हमने हरी बोला है, तो यानी वो हरी का नाम ले लिया, ये भी पावरफुल है। इन सब से भी हमें स्वीकृति मिलती है क्योंकि हमने अनजाने में हरी का नाम ले लिया। हरी नाम चिंतामणि में कहा गया है, इसको बोलते हैं संकेत नाम आभास। श्रीमद् भागवतम में भी आता है कि अगर हम बस हास परिहास अवहेलना करते हुए भी अगर हरि का नाम लेते हैं तब भी वो अपना असर करता ही है। श्रीमद् भागवतम के कैंटो 6 चैप्टर 2 टेक्स्ट 14 में कहा गया है, संकेत्याम परिहास्यम वा स्तोभम हेलनम एवा वा वैकुंठनाम ग्रहानाम अशेषागा हरम हरम विदु। अगर कोई इनडायरेक्टली जोकिंगली या हास्य के द्वारा एंटरटेनमेंट के लिए या निग्लेक्टफुली हरि का नाम ले ले, तब भी हम इमीडिएटली अनलिमिटेड बहुत सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं, उसके रिएक्शन से भी फ्री हो जाते हैं। जैसे आप जप कर रहे हो और किसी ने आकर आपका मजाक उड़ा दिया, क्या बार बार हरे कृष्णा करते हो, तब भी वो बंदा हरे नाम के कारण बहुत सारे पापों से मुक्त हो जाता है। या फिर जैसे कंस ने हमेशा कृष्ण को दुश्मन के रूप में याद किया, वो हर वक्त कृष्ण के बारे में सोचता रहता था, उसकी बातें करता था, उसने पॉजिटिवली कृष्ण को नहीं याद किया, लेकिन उसे मुक्ति प्राप्त हुई क्योंकि उसे मारने स्वयं कृष्ण आ गए, ये कृष्ण की कृपा थी उन पर। या फिर जैसे राधा कृष्ण के नाम पर मूवीज़ में बहुत अजीब अजीब गाने बनते हैं, तब भी वो लोग जब कृष्ण और राधा का नाम लेते हैं तब उन्हें भी बहुत सारे पापों से मुक्ति मिलती है, बहुत सारे पापों के रिएक्शन से मुक्ति मिलती है। इसलिए कृष्ण के नाम में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि जाने अनजाने अवहेलना करते हुए भी अगर हम हरि का नाम ले लें तो हमें बहुत जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है। अब हम थोड़ा संक्षिप्त में हरि नाम की महिमा को जान लेते हैं। जैसे इस कलयुग में हरि नाम के अलावा और कोई रास्ता नहीं है कृष्ण को प्राप्त करने। हरे नाम हरे नामाय वा केवलम कालो नस्तीवा 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 गतिर अन्यथा, ये आता है बृहद नारदीय पुराण में। चैंडिंग ऑफ द होली नेम ऑफ लॉर्ड हरि डिस्ट्रॉयज ऑल सिंस। भगवान का नाम जप करने से हम सारे पापों से मुक्त हो सकते हैं, ऐसा भी हमने देखा था, पद्म पुराण में भी लिखा है। इसके लिए तो हम अजमीला का एग्जाम्पल ले सकते हैं, कैसे उन्होंने अपने डेड बेड पर अंत समय में अपने पुत्र नारायण को हेल्पलेसली याद किया था और सारे विष्णु दूत उसे लेने आ गए थे, जबकि उसने मिलियंस ऑफ सिंस किए थे, मिलियन ऑफ बर्थ में हजारों बर्थ जन्मों में हजारों पाप किया हुआ था, उसे नर्क भोगना था, लेकिन फिर भी विष्णु दूत आ गए उसे लेने। आई एम ही कृता निर्विशो जन्म कोति अहम सम अपि वद व्याज हरा विश्वास विवासो नाम स्वस्ति आयनम हरे। कितने भी रिलीजियस राइट्स हो या कोई भी पूजा का जो भी हम करते हैं, व्रत लेते हैं, ध्यान तप करते हैं इस कलयुग में, उसके सामने
वो उसका कोई वैल्यू है ही नहीं। हरि नाम के सामने इन सब चीज़ों का कोई वैल्यू नहीं है। जैसे चंद्रयान व्रत में आता है कि चंद्रयान व्रत होता है एक जो पाप से मुक्त करने का होता है, लेकिन फिर भी उसमें इतनी शक्ति नहीं कि वो हमारे सारे पापों को मुक्त कर सके। लेकिन हरि का नाम जप करने से, महामंत्र हरे कृष्ण महामंत्र के जप से हम अपने हर पाप से मुक्त हो सकते हैं। ना निष्कृतैर उदितैर ब्रह्म वदिभिः तथा विशुद्ध्याति अघवान व्रतादि भी यथा हरेर नाम पदैर उदाहरितैस तद उत्तम श्लोका गुणोपलम पाकम। श्रीमद् भागवतम के कैंटो 6 चैप्टर 2 टेक्स्ट 11। सिर्फ हरि नाम का एक जप करने से हम हजारों पाप को मुक्त हो सकते हैं, पाप के प्रायश्चित कर सकते हैं। जो हरि का नाम जप करता है वो वैकुंठ को प्राप्त होता है। अगर वो कृष्ण के नाम को जप करेगा, हरे कृष्ण महामंत्र को, तो उसे गोलोक प्राप्त होगा। अभी नाम आभास के बारे में भी हमने पढ़ा, कैसे हम हास परिहास अवहेलना करते हुए भी अगर हरि का नाम लें तो हम बहुत सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। और यमराज कभी उन लोगों को परेशान नहीं करते जो हरि का नाम लेते हैं, जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। और कभी कभी अचानक ऐसे लोगों की मृत्यु हो जाती है गिरने से, स्लिप होने से, या किसी के जानवर के काटने से, या जल जाने से। लेकिन उन्होंने अब हरि का नाम लिया होता है, पर क्योंकि ऐसे अचानक मृत्यु में वो अंत समय में हरि को याद नहीं कर पाते, ऐसे समय में उन्हें यमराज के कारण परेशान नहीं होना पड़ता। उन्हें अगला जन्म मिलता है मनुष्यों का, जिससे वो आगे बढ़ सके अपनी भक्ति में। इसके लिए भी एक श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम के कैंटो 6 चैप्टर 2 टेक्स्ट 15 में। पतिता स्खलितो भग्ना संदस्ता स्तप्त अताहता हरिर इति अवशेषनाः पुमान नरहति यतनाः। जैसे इफ़ वन चैंस द होली नेम ऑफ हरि एंड देन डाइज बिकॉज ऑफ एन एक्सीडेंटल मिसफॉर्च्यून सच एज फॉलिंग स्लिपिंग सफरिंग ब्रोकन बॉडी बीइंग बीटन बर्न्ड और बीइंग इंजर्ड देन वन इज इमीडिएटली एब्सॉल्व फ्रॉम हैविंग टू एंटर हेलिश लाइफ इवन दो ही इज सिनफुल।